माशाल्लाह अंगूठी तो बहुत खूबसूरत है, पर मैंने तो जमालिया की फूफी से अभी तक पूछा भी नहीं। हमें यकीन है कि वो हमारे भाई साहब के लिए जरूर रजामंद हो जाएंगे। और फर्ज कीजिए कि उन्होंने इनकार कर दिया तो लूंगा। ऐसी बात मत कीजिए, किबला नवाब साहब का तो दिल टूट जाएगा। अगर बात दिल की है तो मैं कोशिश करूंगी। हम चाहते हैं कि आप उन्हें हर तरह राजी कर लें। आज हम उन्हें अंगूठी पहना के ही जाएंगे। मर्जी तो हमारी की भी यही है। जा जुलेखा, जाकर तू जेबुन को बुला के ला। मैं उन्हें यही बुलवा लेती हूँ। शहनशाह भाई, क्या आंटी आई है, इनके लिए कुछ चाय ठंडा वगैरह कुछ तो लाओ। चाय तो मैं अभी लाया था जी, वो शेख मंजूर साहब आए थे। जाओ जाकर आंटी को बुला के लाओ और उनसे कहो कि अम्मा मिलने आई है। अम्मा आई? जल्दी में हम मिठाई और हार लाना तो भूल ही गए। आप फिक्र क्यों करती हैं? आंटी के हाँ करते हम अभी शहनशाह से मंगवा लेंगे। आज आप उनसे हार करा ही लीजिएगा, आज तो हम अंगूठी पहना के ही जाएंगे। बात तो आपने बेन बहुत अच्छी की है, मैं और जुलेखा मिलकर जोर लगाएंगे। अगर जुमालिया के मामा भी होते तो सारे मिलकर जोर लगाते। खैर अम्मा, इसरार तो उन्होंने भी बहुत किया होगा। आपने जुमालिया से जिक्र किया था? जमाल को मैंने बताना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि वो अपनी फूफो से ही बात कैसे कर सकते थे, इसीलिए मैं अम्मा को कह। इस उम्र में भी क्या बला का रंग रूप है। आंटी आप यहाँ बैठे, तब तक मैं चाय वगैरह का इंतजाम कर लेती हूँ। की कर रहे जी, पता चल जाएगा। खैरियत तो है, मुझे तो तुम लोगों की बोले बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। माशाल्लाह क्या अच्छी शक्ल सूरत है, जी जाता है बार इतरा। कोई एतराज नहीं है, मुझे तो तुम दोनों की गला बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, क्या कह रही हो? समझ में आ जाएगी, सब समझ में आ जाएगी। जेबुन बहन, आप नसीबों वाली हो, औरत की उम्र 2-4 साल ऊपर नीचे हो जावे ना, वैसे वैसे रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। जी मेरा मतलब है कि आपके नसीबों के दरवाजे खुल गए। खुशियाँ नसीबों से मिलती है। खुशियाँ? खुशियाँ तो है, अगे मैं कह रहा हूँ खुश हूँ। खुदाना खास्ता हमारा ये मतलब। तो फिर तुम्हारा क्या मतलब था भाई? आप एक बात बताइए, आपको हमारे भाई किबला नवाब साहब कैसे लगते हैं? जी जैसे वो हैं वैसे ही लगते हैं। पर आपकी गल का मतलब क्या है? अच्छा, अगर हम बताएं तो ना खफा होंगी और ना इनकार करेंगी। अगर गल धमकी होगी ना तो ना मैं खफा होंगी और फिर इनकार की क्या जरूरत है मुझे। लो जा रहा बहन, जेबुन बहन मान ली, मुबारक हो। क्यों लाइए ना? बताए ये अंगूठी देखिए, माशाल्लाह कैसी लगी ये अंगूठी, देखिए ना। अंगूठी तो चंगी है पर देखना। मुबारक हो आपको, मुबारक हो। हमें यकीन था कि आप हमारे भाई ख्याल सब जरूर कबूल कर लेंगे। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, आप लोगों को ये हरकत करने की इजाजत किसने दी है? ऐसी बदशगुनी की बातें तो ना करें, ये तो हमारे भाई साहब का ही दिमाग खराब था। वरना आप जैसी उम्र रसीदा खातून के लिए हम अपने भाई का रिश्ता क्यों लाते? हमारे भाई साहब के लिए लड़कियों की कमी है क्या? और आपके लंगूर जैसे भाई की जुरत कैसी हुई कि मेरे बारे में ऐसी बात करें? आप शायद जानती नहीं है कि मैं कौन हूँ। आप जो कोई हूर या परी नहीं है, हमारे भाई के लिए रिश्तों की कमी नहीं है। ये तो मिर्जा नवाब साहब का ही दिमाग खराब हुआ था जो हम यहाँ चले आए बेइज्जत होने के लिए। आप यहाँ से चली जाए और आइंदा इस कार में पैर भी मत रखना। तो इतनी बेइज्जत के बाद हम यहाँ एक लम्हा भी नहीं रुकेंगे। ए बहन रुको तो सही, हद करती हो जेबुन बहन, तुम भी जिंदगी के 4 रोज होते हैं ना, उसमें से
تین تو تیرے گزر گئے، اب کس وقت تو فیصلہ کرے گی؟ تو میری ماں لگتی ہے جو سمجھانے چلی آئی ہے، جو میرا دل جائے گا میں کروں گی۔ میں نے بھی کوئی ایسا جرم نہیں کیا، تیرا بھائی بھاوا جو تھے نا وہ بھی یہی حمایت کرتے تھے۔ بھاڑ میں یہ بھائی اور بھاوج، جو میرا دل جائے گا نا میں وہ کروں گی۔ اتنے غصے والی ہے جب بھی تیرے ساتھ نہیں رہتے۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ بہن تو رک تو صحیح، اتنی بے عزتی کرے لی ہے میں بتا رہی ہوں، اس کو مت روک۔ السلام علیکم، کہاں آنٹی؟ خیر مرزا صاحب کہاں ہے؟ وہ کہیں بھی ہو، آپ کو ان سے ہٹیے۔ ارے پلیز میری بات تو سنیے، ہوا کیا ہے اور کسی کیوں روکتے، جانے دو ان کو۔ بات کیا ہے آپ سے؟ جس گھر میں ہماری عزت نہ ہو ہم وہاں کیسے رک سکتے ہیں؟ وہ گھر تو کیا، ہم تو شہر میں نہیں رک سکتے۔ ہٹیے جمال، بات کیا ہے آنٹی؟ بات کوئی نہیں ہے، بات کھاک ہے۔ تیری پھوپھی کو اپنی زندگانی کی پرورش نہیں ہے۔ اور نہیں ہے تو تجھے کیا، میری زندگی میں کچھ دیکھو جیبون، تم اپنی زبان پہ لگام دو، میں بڑی دیر سے تیری عزت کرے لی ہوں، ورنہ تو کیا کر لے گی میرا بتاؤ، تو کیا کر لے گی؟ میرے ساتھ مستا ماری نہیں کرو، میرا نام آجر ہے۔ ارے میرا نام بھی زیبن ہے، زیبن نسا، اچھوں اچھوں کو میں نے ٹھیک کر لیا، تو کیا چیز ہے؟ بند دیجیے، مجھے بتائے کہ ہوا کیا ہے؟ ہوا کیا ہے، ہوا کیا ہے؟ آج کل تو توبہ توبہ نیکی کا زمانہ چل رہا ہے۔ نواب صاحب کی قسمت اچھی تھی جو بچ گئے، تیری پھوپھی نے انکار کر دیا رشتے۔ رشتہ جی؟ کیا بات ہے جمالی، تو اتنا آج کا ایک ہو رہا ہے، میں نے تیرے کو لطیفہ بولے گی۔ زیبو نسا آنٹی کا رشتہ، اس سے زیادہ ہنسنے والی بات کیا ہوگی آنٹی؟ بول رہی ہوں تیرے کو جمالی، اب بند کر دے، میرے کو غصہ آ گیا۔ اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے تو میرے کو اتار لیجیے، مجھے ہنسنے سے مت روکیے آنٹی پلیز۔ میرے کو تم یہ بتاؤ، میں نے تیری پھوپھی کا رشتہ کرنے کا مشورہ دے دیا تھا، اس میں ناراض ہونے کی کون سی بات ہے؟ قدرت نے زندگی کا آخری موقع دیا تھا۔ ارے آنٹی زیبو نسا آنٹی نے تو اچھے اچھے رشتے ٹھکرا دیے، تو نواب خیانت مرزا صاحب کیا چیز ہے؟ آخر ان کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ تو مجھے نہیں پتا، آپ جا کے پوچھ لیں ان سے، میری تو ضرورت نہیں ہوئی۔ نا جی، بہت بد مزاج عورت ہے، میرے کو تو لگتا ہے اس کی بد مزاجی کی وجہ سے تیرے ماں باپ نے اس کے اوپر شادی کا جوڑ نہیں ڈالا شاید۔ لیکن آنٹی بد مزاج تو نہیں آتی، اب اس سے زیادہ بد مزاجی کیا ہوئی تھی کہ نواب صاحب کا رشتہ ٹکرا دیا اور اس کی بہن کی اتنی بے عزتی کی ہوتی۔ ہاں ویسے ویسے آنٹی کو اس سے کسی ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آخر کار جو کچھ بھی ہے نواب صاحب ہمارے ہمسائے ہیں، میں کبھی جا کے ایکسکیوز کر دوں۔ ون ٹو تھری اینڈ دس از منظور از تھری۔ کل ہو گیا میرا اس کا دیکھنا، چیک کرنا پڑے گا۔ ابھی نہیں آ رہے لیے کا مطلب ہے گول گول فنش۔ مر گیا تو مر گیا، بہت افسوس ہوا میرے کو، کیا کرنے کا ہے ابھی، بیچارے کو ابھی دفنانے کا ہے، کیسے لگے گی، بہت پیسہ لگے گا۔ کوئی بات نہیں، اس نے میرا بہت کام کیا ہے، میرے کو بڑی ٹینشن دی، لیکن میرے فرائض سے میں غافل نہیں ہوں۔ شیخ وسیر تو بہت اچھا آدمی تو نہیں تھا، مطلب تو نے کوئی اچھا کام تو نہیں کیا، لیکن پھر بھی تیری دعا کرنا مقبول ہے، میرا فرض ہے، اللہ اس کو معاف کر دے۔ لے جا لے جا، پاگل ہو گیا تو، مرے لائے میں بشیر نہیں ہوں۔ بشیر نہیں ہے، میں اس کی روح ہوں۔ آپ بشیر کی روح ہیں؟ تو روح صاحب یہ بتائیے کہ آپ کا انتقال پور ملال کیسے ہوا؟ پیٹ کے درد سے۔ یہ مشکری کرتا ہے، راڑے کرتا ہے، ایک بات میں وہ بتا، پیٹ کے درد سے کوئی آدمی مرتا ہے کیا؟ بشیر نے اپنے پیٹ میں بہت بڑا راز چھپا کے رکھا تھا، اگر اپنی زندگی میں وہ بتا دیتا تو پیٹ کے درد سے نہیں مرتا، اور اس کے ذمہ دار بھی تم ہوتے، میرے ایکسپائر ہونے کی وجہ تم ہو۔ قیامت کے وقت تک اب میری روح تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ تھے آجرا بیگم صاحبہ کو بلا رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اب سے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بشیر کی روح،
मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, सेठ मंजूर से गलती हो गई, सेठ मंजूर को माफ कर दे। माफी और तुमको कभी नहीं। तू बदरू है तेरे जैसी 200 बदरू सेठ मंजूर की जेब में रहती है, तू मेरे को बेवकूफ समझता है। सुन, आज मैं तेरे को एक बात बताता हूँ, आज फाइनली आज मेरे दिल में अभी अभी फैसला किया है कि तेरी रूह जो है ना कब से अंधेरी से परवास करने वाली है। बोल बोल, मैं कहता हूँ हट जाओ सेठ वरना। अरे क्या करेगा, तू बचेगा तो कुछ बोलेगा ना, तू बचेगा तो कुछ बोलेगा। देख मेरी प्लानिंग क्या है, बिल प्लानिंग क्या है। मैं तेरे को मारने के बाद एक कोरियर सर्विस वाले जो है ना उनको बुला के लिफाफे में डलवा दूंगा तेरे को, और उनको बोलूंगा इसको बेरोज निकाल के फेंक दो। नहीं क्या मजाक मजाक में बॉक्सिंग खेल रहे थे, मैं मोहम्मद अली किले था। बॉक्सिंग नहीं खेल रहे थे, ये मुझ पे तशद्दुद कर रहे थे। मैं तशद्दुद करने वाली चीज हूँ मैं, जब मासूम कोई चीज ही नहीं है। आज मैं वो राज ही खोले देता हूँ जिसकी वजह से जाऊ करते हैं। मालूम है जब तू गुस्से में होते हैं बिल्कुल जायज फेक लगता है, एकदम इतना खूबसूरत लगता है। बात ये है कि वो मेरा बेटा मेरे को मंजूर सेठ मंजूर मेरे को बसीर, तू बात बता, बात आखिर क्या है। बसीर सेठ को मंजूर। सेठ मंजूर हाँ सेठ मंजूर, दाना डाला कर वाला ने। ऐसा भी हो सकता है, बहरहाल आप इस बात की परवाह ना करें, ऐसी भी कोई खास बात नहीं थी। और चिते ये कम बेइज्जती की बात है कि अब मेरे रिश्ते आने शुरू हो गए। सब कोई खातून मर्द लड़की या लड़का सिंगल होते हैं तो इस तरह के प्रपोजल आते रहते हैं। अब इसमें नवाब साहब उनकी हमशीरा का क्या कसूर है, उनको कहाँ इस हकीकत का मालूम था। जुलैखा और हाजरा आंटी वो भी कतई ला इल्म है, वरना ऐसा हो सकता था। मंजूर के चूर की वजह से ये सारा कुछ हुआ है, पता नहीं मंजूर कब तक मुझे चूर बना के रखेगा दुनिया वालों के सामने। हालात बता रहे आंटी कि ये हकीकत ज्यादा देर तक छुपी रह नहीं सकती। और चिट्टे मैं तुझे दस देती हूँ, ये हकीकत छुपे ना छुपे पर मैं अब दुनिया वालों के सामने बता दूंगी। और मुझसे नहीं ऐसे रहा जाता, मैं क्या करूँ चिट्टे। आंटी आप सही कह रही है, लेकिन कभी कभी खैर आफियत और अमन की खातिर चुप रहना ही बेहतर है। अमन इसमें सबकी बेहतरी है, और फिलहाल तो मैं भी इसमें फंस गया हूँ। तू काम फंसा है, मुश्किल तो मेरे लिए है, मैं कैसे ऐसे जिंदगी गुजार सकती हूँ, तू मुझे दस ना। बेशक सच तो सूली पर भी बोल दिया जाता है आंटी। तो फिर अब जरा सोचिए आंटी, अगर इन हालात में ये झूठ खुल गया तो इसे जुलेखा और मेरी जिंदगी पर बुरा असर भी पड़ सकता है, वो मुझसे नाराज हो जाएगी। और मुझे जुलेखा को इस बात पर तैयार करने के लिए बाकायदा ग्राउंड बनाना पड़ेगा। आप देखिएगा एक दिन आएगा, जरूर आएगा, जब आप मैं जुलेखा हाजा आंटी आप सब एक साथ खुशी खुशी रहेंगे। और चिट्टे मुझे तो मंजूर से कोई उम्मीद नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे सारी जिंदगी वो मुझे झूठ बनाते हैं। नहीं आंटी ऐसा हरगिज नहीं, अब इंसान को क्या पता कि उसकी आखिरी सांस कब आएगी। तेरा क्या मतलब है, मुझे और कितना इंतजार करना पड़ेगा। आंटी कुछ दिन और, बस प्लीज कुछ दिन और आंटी, कुछ दिन और की बात है। तू कहता है चिट्टे तो ठीक ही कहता होगा। जीवन के इनकार का मतलब यही है, मंजूर ने अपना चक्कर पक्का चलाया हुआ है, वरना उस चुड़ैल को नवाब से अच्छा रिश्ता मर के भी नहीं मिलता। पर उस मनुष्य औरत को मंजूर में क्या नजर आ गया है, कोई मेरे दिल से पूछे कि मंजूर के साथ मेरी जिंदगानी कैसे गुजर रही है। मैं भी उस औरत को जुलेखा के घर से निकाल के ना रहूं तो हाजरा नाम नहीं है मेरा।
हेलो ये जुलेखा कैसी है बेटा तू तू ठीक तो है ना हाँ माँ कैसी हैं आप मैं तो बहुत परेशान हो गई थी बेटा तेरे से को फटा तो नहीं किया नहीं अम्मा वो मुझसे ज्यादा बात ही नहीं करती हाँ वो तेरे से बातें थोड़ी करेगी वो तो हंस हंस के मंजूर से बातें करेगी हेलो ए जमालिया किधर है बेटा उनका कोई दोस्त आया था अम्मा उनके साथ ही बाहर निकले हो बेटा तेरा बाप अगर उस घर में आ जाए ना फौरन मेरे को फोन कर क्यों अम्मा बेटा उस औरत ने मेरे साथ जबान दराजी की है मैं ये चाहती हूँ कि तेरा बाप उस घर में नहीं आवे और मैं भी नहीं आऊंगी उस घर में ये क्या बात हुई अम्मा आप उनकी वजह से यहाँ मेरे घर आना ही छोड़ देंगी तो फिर बेटा इस औरत को अपने घर से निकालने की कोशिश कर कोशिश क्या तरकीब है ये भी मैं सोच रही हूँ बेटा तरकीब लगाने में हर काम आसान हो जाता है या फिर तो जमालिया को लेती का मशवरा दे दे बस लेकिन अम्मा ये किस तरह मुमकिन है जुलेखा बेटा तू क्यों परेशान होती है और को मुट्ठी में ले उसको सारी बातें बता देखना तेरी हर बात मानेगा वो हाँ बेटा परेशान नहीं होना अपना ख्याल रखना इस चुड़ैल से बचना तुम ठीक है अम्मा देखूंगी खुदा हाफिज बेटा खुदा हाफिज क्या हम हाजिर हो सकते हैं उस तुसे फेर आ गयो तो अनु अपनी इज्जत का जरा ख्याल रखो एक तेरे ख्याल के सिवा अब कोई ख्याल ही नहीं थोड़ा दिमाग से ठीक है ना जी दिमाग बिल्कुल ठीक है अब हम बदस्तूर अपनी जगह होश और हवास भी कायम है कसम इस कायनात की आपसे इनकार और बरहमी की वजह पूछने चले आए आपकी जुरत कैसे हुई यहाँ पर पैर रखने की ये जुरत हमारे दिल और हमारे सच्चे खुलूस ने हमें दी यकीन मानिए जान हथेली पर रखकर आए हैं सर कलम कर दीजिए उफ नहीं करेंगे आपकी मरम्मत करवानी ही पड़ेगी मुझे सर तस्लीम हम है जो मिजाजे यार में आए हम आपसे इनकार की वजह मालूम करने चले आए थे जहां आरा साहिबा तो रूट कर चली गई ये बताइए आखिर ऐसी कौन सी खुशी है जो हम आपको नहीं दे सकते आप बकवास बंद करें और यहां से निकल जाएं देखिए खातून खुश जमाल हटक करना अच्छी बात नहीं हमारा मौका भी जायज है और सवाल भी इंतहाई माकूल है हम आपसे सिर्फ इनकार की वजह मालूम करने यहाँ चले आए मैं क्यों दसूं मेरा कोई दसना आपको जरूरी नहीं जरूरी है कतई जरूरी है तेरी एक निगाह की बात है मेरी जिंदगी का सवाल है मुझे आपकी जिंदगी से कोई फर्क नहीं निकल जाइए इधर से और आइंदा इधर पैर रखने की भी ना कोशिश ना करना खैर कोशिशों से तो हमें कोई नहीं रोक सकता कोशिशों पर हमारा मुकम्मल ईमान है और हम उम्मीदों को यूं ही तो नहीं तोड़ दिया करते आप ऐसे नहीं मानोगे ओ शहंशाह आज किस शहंशाह की बात कर रहे हैं आप इस रस्ते में न जाने कितने शहंशाह मर गए आप निकल जाए मैं कहती हूँ तांबुल तांबुल खातून को जमाल तांबुल और जरा हमारी बात सुने आप ऐसे नहीं जाएंगे देखिए मैं सिर्फ आपसे एक बात तक करना चाहता हूँ कि अगर किसी ने आपको मोहब्बत के नाम पर धोखा दिया है तो ये जरूरी तो नहीं है कि हर आदमी ऐसा ही वाकई हुआ हो करवाए हम आपको किस तरह यकीन दिलाएं आप कहें तो जट्टी जट्टी के फुल से नीचे छलांग लगा दे और निकाल इनको इनको निकाल बस घर से निकाल रखो नवाब साहब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपको धक्के देके बाहर निकालूं आप बड़ा मेहरबानी करके वैसे आपको हम एक बात बता दें कि अगर हमें कुछ हो गया तो हमारा खून नाम आपकी सुराईदार गर्दन पे होगा हो जाए इधर से जी बाबू रुक जाइए नवाब अंकल मत रोको इनको जाने दो इनको नवाब अंकल आप यहाँ तशरीफ रखिए आपको इस घर से कोई नहीं निकाल सकता ये मेरा घर है और नवाब अंकल हमारे पड़ोसी भी हैं और मौजूद मेहमान भी जुलेहा ये तुम क्या कह रही हो नवाब अंकल आप बैठ जाइए
شہنشاہ. ہاں جی. نواب انکل کے لیے اچھی سی چائے بنا کر. اچھا جی. دامن میرے دستے نا تمام سے آئے آئے.